हेलो गाइस, आज के एक्सपेरिमेंट में मेरे पास है दो बोतल, ठीक है, देख सकते हैं। और दोनों में मैं एक कलर वाला पानी भर दिया है और दोनों में पाइप लगा दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। एक छोटा पाइप लगा दिया है, एक बड़ा पाइप लगा दिया, ठीक है। अभी दोनों को बंद रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि यदि मैं इस दोनों को पाइप को खोलेंगे तो सबसे पहले किस पाइप वाला पानी जल्दी खत्म होगा, किस पाइप वाला पानी मतलब जल्दी गिरेगा, ठीक है, मतलब खाली कौन होगा जल्दी, तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। आप जानते हैं तो, अन्यथा आप तो एक्सपेरिमेंट में देखेंगे ही खुद ही, ठीक है। और जानते हैं तो कमेंट में पहले कमेंट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट, देख सकते हैं। इसको मैं दोनों को खोलने वाला हूँ, दोनों में रबड़ लगा दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। दोनों दोनों पानी का लेवल सेम ही है, ठीक है, देख सकते हैं। इसको भी पकड़ रखे हैं और इसको भी खोल करके पकड़ रखेंगे, ठीक है, और एक ही टाइम में दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है, और देखेंगे। देख सकते हैं, मैंने छोड़ दिया दोनों, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा पानी जल्दी खत्म होता है, ठीक है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये दोनों पानी गिर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ये पानी दोनों गिर रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो लंबा पाइप वाला जो है पानी, वो तुरंत ही खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जो पाइप छोटा है वो पानी तुरंत खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आपके दिमाग में पहले चल रहा होगा कि छोटा पाइप वाला जो पानी है वो जल्दी खत्म होगा, ठीक है, और लंबा पाइप वाला पानी है ये जल्दी से नहीं खत्म होगा, ठीक है, आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यह उल्टा हो गया, ठीक है। देख सकते हैं कि जो लंबा पाइप वाला था यह पानी पहले खत्म हो गया, ठीक है, यार छोटा पाइप वाला पानी अभी तक गिरता ही है, देख सकते हैं ये गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि यह एक्सपेरिमेंट आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना